हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पात अकेडमी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2021 में हुई लेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे ये अपॉइंटमेंट्स का पार्ट फोर वीडियो है ये सभी अपॉइंटमेंट्स सिलेक्टेड हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको मेरी सभी वीडियोज़ के पी मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपॉइंटमेंट से पहली अपॉइंटमेंट जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ई भी कहा जाता है जिसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं मुखमीत एस भाटिया मुख्मीत एस भाटिया जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को मुख्मीत एस भाटिया जो कि सीनियर आई एस ऑफिसर हैं इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज अ एडिशनल सेक्रेटरी काम कर चुके हैं ई एस आई सी एक स्टेचुरी एंड ऑटोनमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है उसके अलावा आपको याद रखना है ESIC जो कि फाउंड किया गया था 24 फरवरी 1952 को और ESIC जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओ भी कहा जाता है ओ जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं सुभाष कुमार सुभाष कुमार अपॉइंटमेंट किया गया है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को सुभाष कुमार इनसे पहले शशि शंकर थे इन्होंने शशि शंकर को रिप्लेस किया है ओ एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन एंड मल्टी नेशनल ऑयल एंड गैस एंटिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है ओ जो कि फाउंड किया गया था फोरटीन अगस्त नाइनटीन को ओ जिसके फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओ जिसके सीईओ हैं शशि शंकर और ओ जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जा सकता है तो हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करना है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ जिसके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर उर्जीत पटेल डॉक्टर अर्जीत पटेल जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सेकेंड अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को डॉक्टर अर्जीत पटेल जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं इनका अपॉइंटमेंट फाइव ईयर्स के लिए किया गया है उसके अलावा आपको याद रखना है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ इंडियन फूड एंड बीवरेज कंपनी है जो कि 1892 को फाउंड किया गया था जिसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और जिसके सीईओ हैं वरुण बैरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सेलेक्शन बोर्ड जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में पी भी कहा जाता है जिसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं मलिका श्रीनिवासन मलिका श्रीनिवासन जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सेकेंड अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को मलिका श्रीनिवासन जो कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका अपॉइंटमेंट थ्री ईयर्स के लिए किया गया है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जिसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं आदिल जुनेल भाई आदिल जुनेल भाई जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सेकेंड अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को आदिल जुनेल भाई जो कि क्वालिटी काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन थे जिन्हें की कैपेसिटी बिल्डिंग कमिश्नर का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डिजिट इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर डिजिट इंश्योरेंस जिसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं विराट कोहली विराट कोहली जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है फोर्थ अप्रैल 2021 को इससे पहले क्रिकेटर विराट कोहली ने डिजिट इंश्योरेंस में इन्वेस्ट भी किया हुआ है डिजिट इंश्योरेंस एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि वन पॉइंट डॉलर के वैल्यूएशन के साथ दो का पहला यूनिकॉर्न बन गया है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट चीफ न्यू बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट चीफ जो कि अपॉइंट किए गए हैं शबीर खंडवाला शबीर खंडवाला जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को शबीर खंडवाला इससे पहले ये गुजरात के डी जी पी के रूप में कार्य कर चुके हैं इसके अलावा ये एस आर ग्रुप में एडवाइज़र और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकपाल सर्च कमेटी में काम कर चुके हैं बी जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बी जो कि एस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1928 को बी जिसका हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में बी जिसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और बी जिसके सेक्रेटरी हैं जय शाह नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि अपॉइंट किए गए हैं तरुण बजाज तरुण बजाज जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सिक्स अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को तरुण बजाज जो कि नाइनटीन एटी एट बैच के आई ऑफिसर रह चुके हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डब्ल्यू एच ओ स्पेशन वायफ और ए सी टी एक्सीटर डब्ल्यू एच ओ स्पेश वायफ और ए सी टी एक्सीटर जो कि अपॉइंट किए गए हैं कार्ल बिल्ट कार बिल्ट जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सिक्स अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को बिल्ट जो कि स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं जिन्हें ए सी के लिए अपॉइंट किया गया है ए सी जो कि नोवेल कोरोना वायरस डिजीज़ की टेस्टिंग डिजीज ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन के लिए ग्लोबल कोलेब्रेशन से बनाया गया है तो ये सभी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन जिसके मिशन डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव डॉक्टर चिंतन वैष्णव जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सिक्स अप्रैल 2021 को डॉक्टर चिंतन वैष्णव इनसे पहले रामानंदन रामानम थे इन्होंने रामानंदन रामानम को रिप्लेस किया है उसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है जो कि आगे आने वाले वर्षों में इंडिया के इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की नीड्स पर एक डिटेल स्टडी एंड डेलिब्रेशन पर बेस्ड है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिड भी कहा जाता है जिनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं एस रमन एस रमन जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है सेवन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को एस रमन जो कि नाइनटीन नाइन्टी वन बैच इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं एंड करंटली ये इंडियाज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सी हैं इनका अपॉइंटमेंट थ्री ईयर्स के लिए किया गया है उसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश किया गया था सेकेंड अप्रैल 1990 को और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसका क्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जिसे शॉर्ट फॉर्म में एन कहा जाता है जिसके न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई हैं पूनम गुप्ता पूनम गुप्ता जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेल्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को पूनम गुप्ता इनसे पहले शेखर शाह थे इन्होंने शेखर शाह को रिप्लेस किया है पूनम गुप्ता फर्स्ट वूमेन है जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है करंटली ये वर्ल्ड बैंक में लीड इकनॉमिक्स हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इंडिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि 1956 को एस्टैब्लिश हुआ था और जिसका हेड क्वार्टर न्यू डेली में है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है नेशनल एंटी एंटीडॉपिंग एजेंसी डायरेक्टर जनरल अब जो कि अपॉइंट किए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है 13 अप्रैल 2021 को सिद्धार्थ सिंह लोंगजम जो कि आईएएस ऑफिसर हैं करंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में जॉइंट सेक्रेटरी एंड नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में सीओए हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 24 नवंबर 2005 को और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेड है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है प्यूमा ब्रांड एंबेसडर प्यूमा जिसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं वाशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिकल वाशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिकल जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेंटी वन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को प्यूमा जो कि ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है जिसने रिसेंटली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ पार्टनरशिप अनाउंस किया है ये दोनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं इसके साथ ही विराट कोहली विकेट कीपर बैट्समैन के राहुल वुमेन नेशनल क्रिकेटर सुषमा स्वराज सॉरी सुषमा वर्मा एंड क्रिकेटर युवराज सिंह भी शामिल हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चप चेयरपर्सन ऑफ दी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेस्कॉम भी कहा जाता है जिसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं रेखा एम मैनन रेखा एम मैनन जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेंटी अप्रैल टू को रेखा एम मैनन जो कि एक्सेंचर की चेयरपर्सन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेखा एम मैनन फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है नेस्कॉम जो कि फाउंड किया गया था फर्स्ट मार्च 1988 को और नेस्कॉम जिसका हेडकॉर्टर है न्यू दिल्ली में तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एच बैंक पार्ट टाइम चेयरमैन एच बैंक जिसके पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अतानु चक्रवर्ती अतानु चक्रवर्ती जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेंटी थ्री अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को अतानु चक्रवर्ती जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं इनका अपॉइंटमेंट थ्री इयर्स के लिए किया गया है उसके अलावा एच बैंक जिसका हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में एच बैंक जिसके एम एंड सी हैं शशिधर जगदीशन और एच बैंक जिसके टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है फोर्टी एट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया के फोर्टी एट चीफ जस्टिस जो कि अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस एन वी रमना जस्टिस एन वी रमना जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को जस्टिस एन वी रमना ने ट्वेंटी फोर अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को देश के फोर्टी एट चीफ अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इनको शपथ दिलाई गई है इनसे पहले जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे इन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को रिप्लेस किया है इनका अपॉइंटमेंट 26 अगस्त 2022 तक के लिए किया गया है मींस इनका रिटायरमेंट डेट है 26 अगस्त 2022 नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एमडी एंड सी ऑफ नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड जिसे शॉर्ट फॉर्म में एन भी कहा जाता है जिसके एमडी एंड सी अपॉइंट किए गए हैं अरुण रास्ते अरुण रास्ते जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को इनका अपॉइंटमेंट फाइव ईयर्स के लिए किया गया है करंटली ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके अलावा ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक नाबार्ड एसीसी सीमेंट एंड नॉन प्रॉफिट एनजीओ आईआरएफटी में भी काम कर चुके हैं उसके अलावा आपको याद रखना है नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एक कॉमोडिटी एक्सचेंज है जो कि भारत में एग्रीकल्चर गुड्स से रिलेटेड है एन जो कि फ़ाउंड किया गया था फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड थ्री को एन जिसका हेड क्वार्टर जिसका है महाराष्ट्र के मुंबई में और एन जिसके ऑनर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट और लास्ट अपॉइंटमेंट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जिसे शॉर्ट फॉर्म में बी भी कहा जाता है जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं अमित बनर्जी अमित बनर्जी जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है ट्वेंटी सेवंथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर है जिसका हेडकोर्टर बेंगलुरु में है ये वैरायटी ऑफ हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है जो कि अर्थ मूविंग ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके अलावा आपको याद रखना है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि फ़ाउंड किया गया था मे नाइनटीन को तो फ्रेंड्स ये थे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अप्रैल 2021 पार्ट फोर जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आप चाहे तो इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उसके साथ ही ऊपर लगे आई बटन में दे दिया है वहाँ से आप उसे कम्प्लीट कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट